Hello friends, I'm Manishi Jain and I'm a makeup trainer. Beauty lies in the eyes of the beholder. हम सब beautiful दिखना चाहते हैं, हम सब बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम 10 on 10 beauty लगें. But ये possible नहीं है और हम सब जानते हैं कि हम सब में कहीं कुछ ना कुछ flaws होते हैं. कभी हमारी आंखें थोड़ी छोटी लगती हैं हमें, या कभी लगता है कि स्किन का टेक्स्चर ठीक नहीं है, कभी हमें अपने बालों का टेक्स्चर या रंग पसंद नहीं, या फिर हमें पसंद नहीं कि हमारे लिप्स की शेप क्या है. हम ये सब कुछ सुधार सकते हैं और ठीक कर सकते हैं. इसके लिए हमें मेकओवर्स की ज़रूरत है. ये मेकओवर्स हम आज आपको इस शो में दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे आप भी 10 ऑन 10 परफेक्ट ब्यूटी पा सकते हैं इन बियॉन्ड मेकओवर. Welcome to Beyond Makeover. Summers are here and so are summer parties. Beach parties, pool parties. बहुत कुछ आजकल parties में variations आ रही हैं. इन्हीं variations की looks को आज हम explore करेंगे अपने show में. Hi Sugand, how are you? Hi, I'm fine, how are you? Great. So what's the occasion today? आज मुझे एक pool party के लिए जाना है और मुझे उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा आपसे makeover चाहिए. एंड मुझे आई वॉन्ट अ मेक ओवर लाइक जैसे कि यू माइट हैव सीन द न्यू अपकमिंग मूवी दैट दम मारो दम. बिपाशा बासु की. या एग्जैक्टली. मुझे बिपाशा बासु तो थोड़ी डस्की है और आपका स्किन टोन थोड़ा लाइट है. आई वॉन्ट दैट डस्की लुक इटसेल्फ और मुझे वो चाहिए. आई वॉन्ट कि मेरे जितने भी स्पॉट्स हैं, जो भी मार्क्स हैं, पिम्पल्स एंड ऑल, ये सब छुप जाएँ. और आई जस्ट वॉन्ट अ गुड मेक ओवर. आई जस्ट वॉन्ट टू लुक गुड, सेक्सी, स्टनिंग. So I can suggest you some things. What I would say is, क्योंकि मैं देख रही हूँ थोड़े से स्किन पे जो मार्क्स हैं उन्हें हाइड करना हमें ज़रूरी है, हम उसे कर लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम. आइज जो थोड़ी सी क्लोज सेट है, इन क्लोज सेट आइज को वाइट दिखाने के लिए कभी कभी हमें आई लाइनर्स एक्सटेंड करने पड़ते हैं. और क्योंकि आप चाहती हैं बिपाशा बासु वाली लुक, सो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस, क्योंकि हमें आई लाइनर्स एक्सटेंड करने से वो स्पेस मिल जाती है और एक करेक्टिव टेक्निक भी हो जाती है. सो दैट विल बी अ गुड आइडिया. एंड स्किन टोन थोड़ा सा गोल्डन ब्रॉन्ज डस्की सन किस्ड लुक जैसा एक इफेक्ट हम देंगे. एंड फॉर योर हेयर आई वुड सजेस्ट थोड़े से, नॉट एग्जैक्टली द सेम फेदर्स, बट थोड़े से हम फेदर्स लगाएंगे ताकि एक फील आ जाए उसी इमेज की. और हम थोड़ा सा प्रॉबली यू नो वील हाईलाइट योर हेयर ऑल्सो, थोड़ा सा टेम्प्ररी हाईलाइट्स होंगी ये इस तरह से. और बाउंसी कर्ल्स एंड नाइसली डन हेयर. So let's get started. शुरुआत में मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि पूल पार्टीज़ या बीच पार्टीज़ पर मेकअप वाटरप्रूफ हो तो ज़्यादा बेहतर है. इसीलिए हम एयर ब्रश करेंगे, क्योंकि एयर ब्रश मेकअप थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है. अभी मैं सिर्फ एयर स्प्रे कर रही हूँ ताकि इनके चेहरे पे जब प्रोडक्ट स्प्रे होगा तो इन्हें पता होगा कि उसका एहसास कैसा होता है. आर यू फीलिंग फाइन सुगंध? या आई एम फाइन. इसकी लेयर बहुत ही पतली होती है और इसमें सिलिकॉन प्रोडक्ट्स डलते हैं और इन प्रोडक्ट्स की वजह से आपका जो मेकअप है वो ज़्यादा देर स्टे करता है. मॉइस्चराइजर्स या प्राइमर्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं. जैसी मर्जी स्किन हो, जैसा मर्जी टेक्सचर हो, प्राइमर्स लगाने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वो मेकअप को बचाते हैं और स्किन को भी प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, क्लोज योर आईज. स्किन अगर ऑयली भी हो तो आप मॉइस्चराइज़र या फिर प्राइमर लगाने से घबराएं नहीं, बिकॉज आगे आने वाले ड्राई पैचेस को हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल होता है. इसीलिए कोई भी मेकअप करें, घर पे करें या बाहर से करवाएं, याद रखें मॉइस्चराइज़र्स या प्राइमर्स ज़रूरी हैं. हम शुरू करेंगे आपके स्पॉट्स को हाइड करने से. सो क्लोज योर आईज. इसकी लेयर बहुत ही ज़्यादा फाइन है. हमने जो फाउंडेशन का कलर लिया है वो थोड़ा सा डार्क है, क्योंकि ये डस्की लुक चाहती हैं. ये चाहती हैं कि ऐसा लगे कि ये अभी बीच से पार्टी करके आई हैं और वहाँ पे थोड़ा सा टैनिंग हुआ है, थोड़ा एक गोल्डन ग्लो आएगा. एंड ये लुक बहुत फैशन में भी है. बीच मेकअप का मज़ा तभी है जब आपके पास थोड़ा सा टैन इफेक्ट आए, स्किन पे थोड़ा कलर आए और पता चले कि आपने थोड़ी सी सन बेदिंग करी है. थोड़ा सा गोल्डन ग्लो देने के लिए हमने फाउंडेशन में हल्का सा गोल्डन ड्रॉप मिक्स किया है. चेहरे पे जो कॉन्टूर्स हैं वो थोड़े ब्लंट हैं, 6
चीक्स थोड़ी सी फ्लैट हैं, इन्हें हाईलाइट करना ज़रूरी है। इसलिए अगर आपकी भी चीक्स थोड़ी फ्लैट हों तो अपने चीक्स के ऊपर एकदम आँखों के नीचे इसे अच्छे से हाईलाइट करें, अच्छा लगेगा और चीक्स उभर के नज़र आएंगी। चीक्स को उभारने के साथ साथ हमें चीक्स के नीचे यानी कि जो हॉलोज ऑफ द चीक होते हैं वहाँ पे डार्क कलर लगाना ज़रूरी है। अगर आप वो डार्क कलर नहीं लगाएंगे तो जो आपने हाइलाइटिंग की है वो नज़र ही नहीं आएगी, इसीलिए इसे कॉन्टोर करना बहुत ज़रूरी है। अगर जॉ लाइन शार्प है तो इट्स अ गुड थिंग, बट अगर जॉ लाइन शार्प नहीं है तो जॉ लाइन के नीचे भी डार्क शेड से आप कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। नाक को पतला दिखाना भी आसान है। नाक की साइड्स पे अगर आप डार्क कलर से कॉन्टोरिंग करें तो आप नोज की शेप बदल सकते हैं। हम सुगंध के फेस का फाउंडेशन कर चुके हैं, इनके मनचाही स्किन टोन इन्हें ऑलरेडी दे चुके हैं, इनकी चीक्स को हम शेड कर चुके हैं, हाईलाइट कर चुके हैं, जिनसे इनकी चीक बोन्स और ज़्यादा डिफाइंड लग रही हैं, जॉ लाइन को भी हमने और डिफाइन किया है, नोज़ पे हमने थोड़ी सी कॉन्टोरिंग करके उसे भी पतला किया है। अब हम आई मेकअप से शुरुआत करेंगे जो हमें बिपाशा बासु लुक जो ये चाहती हैं उसकी तरफ थोड़ा और लेके जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द आईज। आई मेकअप करना अब बहुत ही ज़्यादा आसान है और स्पेशली अगर हम एक ग्रेडेशन वाला इफेक्ट चाहते हैं तो ये आई शेडो एप्लीक्स हैं जो कि मिनरल प्रोडक्ट है। इस मिनरल प्रोडक्ट के जरिए मैं बहुत ही जल्दी सुगंध की आई शेडोज लगा सकती हूँ जो क्रीज प्रूफ हैं, वाटर प्रूफ हैं और यही तो हमें चाहिए अपनी बीच पार्टी के लिए। इस एक एप्लीक को अगर मैं डार्क कलर नीचे चाहती हूँ तो नीचे लगाऊंगी और इस एक एप्लीक को मैं दोनों आँखों पर यूज़ कर सकती हूँ। इसे प्लेस करेंगे और उसके बाद इसे स्मूथ आउट करेंगे तो आपको ऐसा एक इफेक्ट मिलेगा जो डार्क टू लाइट कलर जा रहा है। आप यही इफेक्ट घर बैठे बहुत जल्दी कर सकते हैं, बट अगर आप एक क्विक मेकअप लुक चाहते हैं और नहीं जानते कि कहाँ हाइलाइटिंग करें कहाँ शेडिंग करें तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। मैं इसे सिर्फ फिंगर के साथ डैप कर रही हूँ, लाइट कलर के ऊपर एक पर्टिकुलर फिंगर के साथ और दूसरे कलर के ऊपर दूसरी फिंगर के साथ ताकि कलर्स आपस में मिक्स ना हो। इन आई शैडोज के ऊपर अब मैं मिनरल पाउडर्स लगा रही हूं। ब्लेंडिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है स्पेशली अगर आपके पास नीचे क्रीम आई शेडोज लगे हों तो, और ये तो मिनरल आई शेडोज हैं इसीलिए इनके ऊपर ब्लेंडिंग करना और ज़्यादा आसान है और जिस तरह आप कलर्स लगाएं उसी तरह आप चाहते हैं कि वो नज़र भी आए, इसे और ज़्यादा आसान कर देते हैं ये इंस्टेंट आई शेडोज। क्योंकि हमारा मेन फोकस आई लाइनर्स है, हम चाहते हैं इन्हें विंग्ड आई लाइनर्स देना क्योंकि ये भी वही पसंद करती हैं। बिपाशा बासु लुक, रिमेंबर फॉर द बीच पार्टी, और क्योंकि ये बीच पार्टी के लिए है वाटरप्रूफ होना ज़रूरी है, क्रीज प्रूफ होना ज़रूरी है, इसीलिए हम मेकअप को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे फिक्सर्स के साथ। आंखों को एक्सटेंड करने का बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप आईब्राउ का एंड और नाक का एंड जोड़ लें आप देखेंगे कि लाइन भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर उसी डायरेक्शन में आप आईज को एक्सटेंड करेंगे तो वो आंखें उठी हुई लगेंगी, ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। और आप ये भी देखें कि किस तरह से हमने ग्रीन और ब्लैक एक साथ लगा के आंखों को और भी ज़्यादा उभार दिया है और भी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग आई लाइनर इफेक्ट दिया है। आपने देखा कि मस्कारा लगाने से पहले मैंने एक वाइट सी चीज़ पलकों पर लगाई, वो वॉल्यूमाइजर है और साथ में ही मस्कारा बेस भी है। ये आपकी पलकों के बालों को बचाती है, उन्हें टूटने से रोकती है, उन्हें नरिश करती है और साथ साथ उन्हें वॉल्यूम भी देती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो वॉल्यूमाइजर या एक मस्कारा बेस लगाएं।
आईज पे हमने कलर आईलाइनर यूज किया है, आंखों के अंदर काजल ना लगा के वहां पे भी हमने कलर आईलाइनर ही लगाया है। ये लुक थोड़ी एक्सपेरिमेंटल है, इनके स्किन टोन को भी हमने चेंज किया है, इसलिए लिप्स को हम थोड़ा म्यूटेड रखेंगे और थोड़ा सा ग्लॉसी न्यूड इफेक्ट रखेंगे। For your hair, हमने कहा था कि हम थोड़े से गोल्डन हाइलाइट्स देंगे, बट साथ साथ हम इन्हें ब्लो ड्राई करके अच्छा सा बाउंस देंगे और एक्सेसरी के लिए थोड़े से फेदर्स लगाएंगे। ओके, सो लेट्स ब्लो ड्राई योर हेयर नाउ। सुगंध का मेकअप कंप्लीट हो चुका है, उसकी डिजायर्ड लुक उसे मिल चुकी है, हेयर स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुकी है विद फेदर्ड एक्सेसरीज, बट एक चीज की कमी है एंड दैट इज द परफेक्ट आउटफिट। दोस्तों, आज हमने देखा एक परफेक्ट लुक फॉर अ बीच पार्टी और अ पूल पार्टी या एक रेन डांस पार्टी। इस लुक को कंप्लीट किया हमने वाटरप्रूफ और मिनरल मेकअप के साथ। आपको इन चीजों का ख्याल रखना है कि समर में अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो आपका बेस या आपका फाउंडेशन ज्यादा केकी ना लगे। इसके लिए अगर आप प्रोफेशनल से हेल्प ले रहे हैं तो एयरब्रश करवाएं ताकि आपकी स्किन नेचुरल और फ्लॉलेस लगे और बिल्कुल भी पाउडरी इफेक्ट नहीं आए। और अगर आप आई मेकअप कर रहे हैं तो वो भी नेचुरल और अच्छा लगना चाहिए, और साथ साथ आपका आई मेकअप भी वाटरप्रूफ होना चाहिए। इसके लिए आप रेडीमेड आई शैडो एप्लीक्स यूज कर सकते हैं जिस तरह से मैंने की हैं, और अदरवाइज आप फिक्सर्स यूज कर सकते हैं जिससे मेकअप वाटर रेजिस्टेंट बनता है। बालों के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि इन्हें ब्लो ड्राइड रखें, थोड़ा मैसी इफेक्ट दें ताकि अगर थोड़े से मैसी हो भी जाएं तब भी आप परफेक्ट 10/10 ही लगें। आगे आने वाले कई एपिसोड्स में हम देखने वाले हैं ऐसे गॉर्जियस मेकओवर्स, सो स्टे ट्यून्ड टू बियॉन्ड मेकओवर्स।